दोस्तों आप अपने अगर किसी भी कॉन मास्टर से अगर इस तरह के टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं लिरिक्स के लिए, अगर किसी भी गाने के लिरिक्स के लिए अगर आप इस तरह का टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तो आप कॉन मास्टर की मदद से आप इसको लिरिक्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते दोस्तों, अपने कॉन मास्टर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ प्लस का आइकन पर 6x9 का रेशियो लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने एक कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करना है, जो भी बैकग्राउंड आप चूज़ करना चाहते हैं वो बैकग्राउंड चूज़ कर लिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा जो है तो आपको इसको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। आपको इसको बढ़ाने के बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पे जाना है। मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक अपनी कोई भी जो है फ़ोटो है, अगर आप कोई फ़ोटो या लोगो लगाना चाहते हैं तो फ़ोटो लोगो को यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे आपको इसको बड़ा कर देना होगा। जितना चाहें उतना आप बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरह का आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है अल्फ़ा का ऑप्शन मिलेगा, ओपेसिटी का ऑप्शन। आपको ओपेसिटी के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से इसको थोड़ा सा हल्का कम कर देना है। यहाँ पे इस तरह से करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका लेंथ जो है तो आपको पूरा का पूरा बढ़ा देना होगा। लेंथ बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे इसको शुरू में आना है। शुरू में आने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पर, टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको अपना वही टेक्स्ट लिख लेना है, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। आप उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे डबल ए के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप अगर आप अपना कोई भी फॉन्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे मैंने इस फॉन्ट को चूज़ करके ओके कर दिया। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आप जा करके आप इसका कलर जो है तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है तो यहाँ पे इसका भी लेंथ आपको फुल कर देना होगा। जितना भी आपकी वीडियो है आपको फुल लेंथ करने के बाद यहाँ पे करना क्या होगा, इन एनिमेशन के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे रबर स्टैंप का ऑप्शन है जो, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 5.2 जो है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रखना है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे की के ऑप्शन पे क्लिक करना है। की के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना जो है तो यहाँ इतनी देर पे यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद इसको जो है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बैक हो गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाने के बाद फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करना है, जितना आप छोटा करना चाहते हैं हाँ उतना आप छोटा कर लीजिए। उसके बाद साइड में ला करके आपको इस तरह से इसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको इसको रखने के बाद आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है तो फिर से लेयर के ऑप्शन पे जाना है। फिर उसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि टेक्स्ट एडिट। यहाँ पे टेक्स्ट एडिट लिखने के बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया। उसके बाद डबल ए के ऑप्शन पे आपको फिर से डिस्प्ले के ऑप्शन पे जा करके आपको जो फॉन्ट आप चूज़ करना चाहते हैं फॉन्ट चूज़ कर लीजिए। फॉन्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप उसका कलर जो है तो फिर से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे के सारे फॉन्ट्स यहाँ पे रखने हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद आपको एडिट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना बड़ा जैसे कि यहाँ पे है तो आपको इन एनिमेशन पे जाना है। आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे रबर स्टैम्प के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे 1.2 ही आपको रखना है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको जो है तो फुल लेंथ कर देनी है आपके वीडियो के अकॉर्डिंग। फुल लेंथ करने के बाद यहाँ पे आपको की के ऑप्शन पे क्लिक करना है। की के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे, जब यहाँ पे ठहर जाएगा यहाँ पे तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा फिर आपको इसको स्क्रॉल करके फिर से आगे लाना है। आगे लाने के बाद फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा करना है। और छोटा करने के बाद जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं आप वहीं पे इसको रख सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कहाँ ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको इसको, तो ये लिरिक्स है, टेक्स्ट लिरिक्स है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिट लिरिक्स जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से लेयर के ऑप्शन पे, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे इन लिखना है तो मैंने इन लिख दिया। इन लिखने के बाद ओके के ऑप्शन पे, फिर डबल ए के ऑप्शन पे, फिर उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद आपको फॉन्ट चूज़ करना है। फॉन्ट चूज़ करने के बाद आप जो भी कलर देना चाहते हैं कलर दे दीजिए। उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे रख लें। रखने के बाद इन एनिमेशन पे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन रबर स्टैंप, उसके बाद जो है तो आपको 5.2 यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद इसकी भी लेंथ आपको फुल कर देनी है। लेंथ फुल करने के बाद आपको इसको शुरू में आना है। शुरू में आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, की के ऑप्शन पे क्लिक करना है। की के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद प्लस के आइकन पे, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। उसके बाद फिर प्लस के आइकन पे, उसके बाद आपको इसको यहाँ पे उठा करके रख देना है। जैसे आप लिरिक्स बनाना चाहते हैं आप लिरिक्स बना सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आपको जो है तो थोड़ा सा छोटा कर देना है। यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद फिर से लेयर के ऑप्शन पे, फिर से टेक्स्ट, उसके बाद फिर इन काइन मास्टर, ठीक है।
इन काइन मास्टर लिखने के बाद यहाँ पे काइन मास्टर लिख दिया, उसके बाद आपको इसको जो है तो जितना बड़ा करना चाहते हैं, फिर उसके बाद फाउंट के ऑप्शन पे जा करके डिस्प्ले आप करके यहाँ पे जो भी फाउंट्स आपको अच्छा लगता है, ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करता, जो भी आपको फाउंट अच्छा लगता है, मुझे ये फाउंट अच्छा लगा तो यहाँ पर मैंने ले करके यहाँ पर इसको जो है तो दूसरा कलर कोई भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने हरा कलर दे दिया, इसको ओके कर दिया, ठीक है। हरा कलर देने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे रखने के बाद इसको जो है तो फाउंट मैंने इतना बड़ा कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इन एनिमेशन के ऑप्शन पे जा करके आप रबर ही रखें, मेरा कहने का मतलब यही है, और उसके बाद 5.2 आपको कर देना है, उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी लेंथ जो है तो फुल कर देनी है। फुल करने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे की ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस आपको फिर से यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे पूरा हो गया, उसके बाद प्लस का आइकन, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाना है, फिर प्लस का आइकन, उसके बाद इसको थोड़ा ना जूम आउट और जूम इन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ गया, उसके बाद ओके ओके के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको फिर से चला करके इसको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इस तरह से आप किसी भी लिरिक्स को बना सकते हैं, ठीक है। लिरिक्स को बनाने के बाद अगर आप चाहो कोई भी सॉन्ग्स वगैरह, जो भी सॉन्ग्स का आपने लिरिक्स बनाना या जो भी एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप उसके सॉन्ग्स को भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पर बजना स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल टेक सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर दबा दें।